जब हम लोगों को ये बताते हैं कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी भी किया जा सकता है, तो कई लोगों के डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आते हैं कि सर कहाँ, कैसे, किस तरह से, ये डॉक्टर तो सर्जरी बता रहे हैं, वो डॉक्टर तो सर्जरी बता रहे हैं। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन वेरिकोसील में ज़्यादा हैं, खास करके यदि आप माइक्रो सर्जरी या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की बात करें। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि यदि आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, देन श्योरली यू कैन प्रोसीड फॉर द माइक्रो सर्जरी या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। लेकिन यदि आप मैरिड नहीं हैं और आपकी फैमिली प्लानिंग नहीं हुई है, तो यदि कंजर्वेटिव में कोई भी ऐसा तरीका जिस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। ये भी बात सही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल सब आदमी तो डॉक्टर बन गए हैं, मेडिकल का ज्ञान हो या ना हो, और भकोलेबाजी, मेरे टर्म में भकोलेबाजी ही है, जिस भकोलेबाजी को करके लोग ढेर सारे ज्ञान दे रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं, जबकि हकीकत में क्या होता है कि जो रिपोर्ट बताती वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। हमने राहुल का ट्रीटमेंट शुरू किया था, राहुल हमारे पास वेरी फर्स्ट टाइम जब कंसल्टेशन में आए थे, ये बात है अप्रैल की, अप्रैल 2023 में आए थे। अप्रैल 2023 में जब राहुल आए थे, उस दौरान इनको क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ से दिखा के आए थे, पहले हम इनसे पूछते हैं, तब हम आज की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ वेरिकोसील में अच्छा काम कर रही हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ऑथेंटिक हो और आपको सही तरीके से समझने का मौका मिले कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसे टिपिकल केसेज में कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम राहुल से बात करेंगे। राहुल, जब हमारे पास अप्रैल में आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ राहुल बेटा, जब आप अप्रैल में मेरे पास आए थे तो क्या क्या दिक्कत लेके आए थे? उस समय सर हाइड्रोसिल था। हाइड्रोसिल था, ठीक है। और क्या दिक्कत हो रही थी आपको हाइड्रोसिल के अलावा? उसमें चोट लगने के कारण गेंद से दर्द हो रहा था। अब ध्यान से समझिएगा, जो इनको हाइड्रोसिल था बायलैटरल, उसकी भी रिपोर्ट उसमें है, बायलैटरल हाइड्रोसिल की जो वजह थी वो चोट लगने की वजह से, दिस वन, ठीक है, गेंद से चोट लगी, इनको गेंद से चोट लग गई थी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या उसमें टेस्टिस में कोई पेन हो रहा था उस दौरान आपको? जी हो रहा था। हो रहा था, हमेशा दर्द रहता था कि रह रहे के दर्द होता था बेटा? कभी कभी दर्द करता था, कभी कभी दर्द होता है। वेरिकोसिल के साथ एक बहुत खास बात होती है, वेरिकोसिल तो वास्तव में तब डायग्नोस होते हैं जब आदमी फैमिली प्लानिंग की कोशिश करता है और मालूम चलता है उसका सीमेन काउंट कम है, ऐसे नहीं मालूम चलता। इसलिए वेरिकोसिल में पेन लगभग न के बराबर, बहुत रेयर कंडीशन में ही कभी कभी पेन होता है, और वह या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तब होता है, अदरवाइज नॉर्मल वेरिकोसील में पेन नहीं होता है। डिस्कम्फर्ट अलग चीज़ है, वो हो सकता है। तो इनको दोनों टेस्टिस में हाइड्रोसिल था, माइनर था, मेजर हाइड्रोसिल का इलाज हम एकदम नहीं करते हैं, ना मैं होम्योपैथी के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप मेजर हाइड्रोसिल का इलाज होम्योपैथी से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सर्जरी करवा लें। माइनर हाइड्रोसिल को होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोसिल से भी जो बड़ी दिक्कत थी वो इनको वेरिकोसील की थी। वेरिकोसिल की ये रिपोर्ट है, दस वन, ठीक है। इसमें जो फाइंडिंग है वो मैं बता सूँ। अच्छा, सारे रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो MD रेडियो हो, DMRD हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो उसी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इनको डायलेशन ऑफ द बोथ पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस था मोर देन 2 to 4 mm विद द सरपेंटाइन अपियरेंस, मतलब zigzag पैटर्न द वेन्स, सो इंक्रीज डायलेशन एंड रिवर्सल ऑफ द फ्लो ऑफ वाल्सल्वा, यानी कि जो फ्लो था वो उसका रिवर्सल हो रहा था। ग्रेड 1 वेरिकोसील बोथ साइड, ये इनकी वो रिपोर्ट है जो उस दौरान करवाई थी डॉक्टर ने, दिस वन। बीच में इन्होंने ये काफ़ी रेगुलर रहे, बहुत अच्छे से इन्होंने दवा ली, प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अभी कुछ छठ का त्यौहार गुजरे, दैट से उसकी वजह से दवा कुछ दिन के लिए इंटरप्टेड हुई। आज की जो इनकी रिपोर्ट है वो ये है, दिस वन। और इनकी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग आई है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। फ्यू प्रोमिनेंट वेस्कुलर चैनल आर सीन इन द आइदर साइड, यानी कि वेरिकोसील सबसाइड हो चुका है विदाउट सिग्निफिकेंट रिफ्लक्स ऑफ द वेल्सर्वा। इनकी दवा किसी वजह से कितने दिन गैप हुई थी बेटा अभी रिसेंटली? अभी 10 दिन, 10-12 दिन। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ से भी आप इलाज ले रहे हो, एक दिन का भी गैप बहुत मायने रखता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस अभी आप रिकवरी के फेज़ में हैं और वो मेडिसिन के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है। एक दिन का भी गैप आपको फिर उसी कंडीशन में ले जा सकता है जहाँ, ये लकी हैं कि 15 दिन के गैप के बाद भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो प्रोमिनेंट वेसल है ये भी सेटल डाउन हो चुकी होती है यदि ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। खैर, वेरिकोसील सेटल डाउन हो चुका है और इनको कोई भी किसी भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में वेरिकोसील नहीं फाइंड आउट हुआ है,
इसका सीधा मतलब ये है कि इस तरह के ढेर सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वैरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। और होता क्या, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट टेस्टिमनी इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे लगता है उसकी प्राइवेसी के इफेक्ट में। ढेर सारे वैरिकोसील के केसेस हैं जो ठीक होते हैं, इसके बारे में भी हम एक नए वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये ग्रेड 2 का वैरिकोसील था और लेफ्ट साइड में था, ये ठीक हो चुका है। ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग को हम जरूर ध्यान से रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है, वैरिकोसील ठीक होते हैं, सही तरीके से अप्रोच की जाए, रेगुलर दवा ली जाए, प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इनके साथ एक और दिक्कत है, सुनिए आप। हाँ भाई, कोल्ड ड्रिंक से क्या दिक्कत होती है? मतलब कोल्ड ड्रिंक ठंडा वाला पीने से हल्का उसमें दर्द हो जाता है, नहीं तो ठीक रहता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोल्ड फूड कोल्ड ड्रिंक से सीधे टेस्टिकुलर पेन शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम तो शुरू से अवॉइड करवाने की कोशिश करते हैं कि आप ठंडी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की रिकवरी में दिक्कत पैदा करता है। सो दैट्स वाई सेफ हैंड में चलिए, प्रिकॉशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेडिसिन। होम्योपैथी पे फेथ बनाए रखिए, होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिकल साइंस है, बस ज़रूरत यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही रख इलाज करें, इधर उधर ना करें। आप किसी होम्योपैथिक स्टोर से, आप ऑनलाइन, कई लोग हमसे भी पूछते हैं सर वैरिकोसील की दवा कैसे बता दें, क्योंकि इनको जो वैरिकोसील की दवा दी गई है वो स्टेजिंग के अकॉर्डिंग कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रही है, लगातार चेंज होती रही है, एक दवा नहीं होती है। एक स्टेज का ट्रीटमेंट फिनिश, दवाइयाँ, नए सिम्टम आए, मेडिसिन चेंज, फिर ट्रीटमेंट, मेडिसिन चेंज, फिर ट्रीटमेंट, फिर मेडिसिन चेंज। तो जब सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन अलग होगा रिपोर्टराइजेशन के बाद, नए केस हिस्ट्री के साथ आएगा, नए केस एनालिसिस के साथ आएगा, तो उस मेडिसिन का एक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन फिर चलनी शुरू होती है। सो दैट्स वाई जितना ईजी ट्रीटमेंट लोग समझते हैं कि एक दवा से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। सो दैट्स वाई यदि कोई पूछे हमसे कि वैरिकोसील का कोई दवा बता दो, हमें वैरिकोसील की कोई दवा आती ही नहीं है। वैरिकोसील की कुछ लोअर पोटेंसी की दवाइयाँ हैं जो वैरिकोसील पे अच्छा असर करती हैं, लेकिन मैं आपको डैम श्योर बताता हूँ कि वैरिकोसील केवल उन्हीं दवाइयों के सारे सही नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई जहाँ भी ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे भी ट्रीटमेंट लीजिए, लग के ट्रीटमेंट लीजिए और कंप्लीट केस हिस्ट्री जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतुल कुमार से, मेरा मैं होम्योपैथी से।